हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हैक्स। दिस इज प्रेम पांडे और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश हनीडी बुक से चैप्टर नंबर 5 द समिट विद इन। हमारे खुद के अंदर की जो पहाड़ है, जो हमारे खुद के अंदर जो चोटी है, यही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और इसको लिखा है मेजर HPS आलूवालिया ने, जो कि खुद एक माउंटेनर है, जो कि माउंटेन क्लाइंब कर चुके हैं, एवरेस्ट पर एक बार चढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा है कि जो मेजर HPS आलूवालिया है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि पहाड़ चढ़ने के लिए इंसान के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए, ये सारी बातें हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हो। बाकी आपको अगर कोई भी चैप्टर इंग्लिश और साइंस का क्लास 8 का चाहिए तो आप चैप्टर का नाम / एजुकेशनल हैक्स करके सर्च कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आपको सबसे टॉप पे मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 और इसका हिंदी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। यहां पर मेजर HPS आलूवालिया कहते हैं कि एवरेस्ट की चोटी का केवल झलक देखकर ही मैं एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैंने अपने अंदर एक अलग सा बदलाव महसूस किया, विच कैन वनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। और ये जो बदलाव है, इस बदलाव को मैं केवल एक रहस्यमयी बदलाव मानता हूं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे बदल गया। केवल पहाड़ पर चढ़ने की वजह से मेरे अंदर बदलाव आ गया। बाय इट्स ब्यूटी अलूफनेस माइट रजडनेस एंड द डिफिकल्टीज इनकाउंटर्ड ऑन द वे द पीक ड्रॉस मी टू इट। और HPS आलूवालिया कहते हैं कि जो एक पहाड़ की सुंदरता होती है, जो पहाड़ की अलूफनेस होती है, मतलब पहाड़ सबसे अलग होता है, और जो पहाड़ों की ये क्वालिटी होती है, जो पहाड़ शक्तिशाली होते हैं, पहाड़ कठोर होते हैं, ठीक है, रजडनेस मतलब सख्त होते हैं, और पहाड़ चढ़ने में जितनी भी कठिनाइयां सामने आती हैं, यही कारण है द पीक ड्रॉस मी टू इट, कि एक पहाड़ की चोटी मुझे अपनी तरफ खींचती है, एस एवरेस्ट डिड, जैसे कि माउंट एवरेस्ट मुझे अपनी तरफ खींच लाई, वैसे भी मुझे पहाड़ चढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि पहाड़ क्या है, ब्यूटीफुल है, अलूफ है, माइट है, शक्तिशाली है और रिजिड है। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रिजिस्ट, पहाड़ चढ़ना एक चुनौती है जिसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट एट फुल्ली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ब्ड एवरेस्ट। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैंने ये पाया कि मैंने आपको अभी नहीं बताया है कि मैंने एवरेस्ट क्यों चढ़ा, मैं क्यों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। अब इस प्रश्न का उत्तर देना कि कोई एवरेस्ट क्यों चढ़ा, इस प्रश्न का उत्तर देना मतलब कि ऐसे प्रश्न का उत्तर देना जैसे कि तुम सांस क्यों लेते हो, ठीक है, तुम अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हो, व्हाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, तुम अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हो। जैसे ही इन क्वेश्चंस के कोई आंसर नहीं है, वैसे ही मैं पहाड़ क्यों चढ़ा, मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा, इसका भी कोई रीजन नहीं है। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसका कोई एक फाइनल आंसर नहीं है। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइम। और वहीं पर दूसरी तरफ एक बात और है कि माउंट एवरेस्ट केवल शारीरिक चढ़ाई नहीं है, केवल हम पैर से, हाथ से, अपने बॉडी की मदद से केवल हम माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते हैं। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप becomes conscious in a special manner। एक इंसान जो कि पहाड़ के चोटियों पे चढ़ चुका है, जो पहाड़ों को चढ़ चुका है, वो एक ज्ञानी हो जाता है, मतलब उसके अंदर एक अजीब सा ज्ञान आ जाता है of his own smallness, कि वह इतनी बड़ी in this large universe, इतनी बड़ी ब्रह्मांड में वो इंसान कितना छोटा है, इस बात का पता उसे कब चलता है, जब वो पहाड़ पर चढ़ लेता है, जब वो पहाड़ के टॉप पर होता है। द फिजिकल कंक्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। जो हम शारीरिक चढ़ाई चढ़ते हैं माउंटेन पर, वो तो उपलब्धि का केवल एक हिस्सा है। देयर इज मोर टू इट देन दैट।
एक फिजिकल क्लाइंब, एक शारीरिक चढ़ाई से भी बढ़कर माउंटेन क्लाइंबिंग में हमें बहुत कुछ मिलता है, और वो क्या है, इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। हमें एक पूर्ति की भावना आती है कि यस हमने कुछ कर लिया है, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आता है हमारे अंदर, देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग। और अगर आप पहाड़ चढ़ चुके हो तो आपको एक संतुष्टि मिलती है, क्योंकि आपके मन के अंदर जो एक डीप अर्ज रहती है, एक जो गहरी पुकार रहती है कि नहीं मुझे अपने सोसाइटी से, अपनी सराउंडिंग से, अपने वातावरण से ऊपर उठना है, क्योंकि ये वाली इच्छा तो आपकी पूरी हो गई, क्योंकि आप दुनिया के सबसे बड़ी चोटी के ऊपर हो, आप माउंट एवरेस्ट के टॉप पर हो। इट इज द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। और पहाड़ चढ़ना इंसानों के अंदर जो साहसी कार्य करने की जो इच्छा होती है ना, पहाड़ चढ़ना उसके बराबर है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल। पहाड़ चढ़ने की जो अनुभव होता है वो केवल फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं है, केवल हम शारीरिक चढ़ाई नहीं चढ़ते हैं पहाड़ पर, इट इज इमोशनल। ये एक भावनात्मक अनुभव है, मतलब हम बिल्कुल इमोशनली चेंज हो जाते हैं। इट इज स्पिरिचुअल, ये एक मेंटल क्लाइंबिंग है, हमें मेंटली भी प्रिपेयर रहना होता है पहाड़ पर चढ़ने के लिए। कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंब टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट। अब यहां पर ऑथर ने एक एग्जांपल लिया है कि चलिए मैं आपको एक विशेष चढ़ाई के बारे में बताता हूं। अब यह चढ़ाई कब की है, जब मैं पिछले माउंटेन पर चढ़ रहा था तब की ये चढ़ाई है, ऐसा एचपीएस आलूवालिया कहते हैं। यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर। मान लो कि तुम दोनों पहाड़ चढ़ रहे हो, दोनों कौन, मतलब अकेले पहाड़ नहीं चढ़ा जाता, कम से कम दो या दो से ज्यादा लोगों का ग्रुप होता है, क्योंकि उन्हें ऊपर चढ़कर मदद करनी होती है। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर। अब तुम जो रस्सी होती है ना पहाड़ पर चढ़ने के लिए, तुम रस्सी साझा कर रहे हो एक दूसरे क्लाइंबर, एक दूसरे माउंटेन क्लाइंबर के साथ। यू फर्म इन, तुमने कस के रस्सी को पकड़ा हुआ है। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस। और जो दूसरा क्लाइंबर है जो तुम्हारे आगे आगे चल रहा है, वो एकदम सख्त, जो सख्त हो चुके बर्फ की चट्टाने हैं उसको काटता है, उसमें से रास्ता बनाता है। Then he belays and you inch your way up। और उसके बाद वो रस्सी को बांधता है, कस के बांधता है, तब तुम एक इंच ऊपर चढ़ते हो। द क्लाइंब इज ग्रिम। पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एस यू टेक एवरी स्टेप। तुम्हें हर कदम के साथ क्या करना पड़ेगा, अपने नस को खिंचाना पड़ेगा, मतलब तुम्हें बहुत दिमाग लगा के, तुम्हें बहुत ही मेहनत करके पहाड़ चढ़ना होता है। आगे यहां पर है कि फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। जो बहुत ज्यादा मशहूर पर्वतरोही हैं, जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं ना, उन्होंने अपने पीछे कुछ रिकॉर्ड्स छोड़ के रखा है, उन्होंने कुछ लिख के रखा है कि कैसे उन्हें मदद मिली थी पहाड़ चढ़ने में, ठीक है। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। उन्होंने ये भी बताया है उस बुक्स में, उस रिकॉर्ड्स में, कि उन्हें कितना डिस्परेटली ये मदद चाहिए था पहाड़ चढ़ने के लिए। Else they might have given up। और अगर ये मदद उन्हें नहीं मिलती तो शायद वो पहाड़ चढ़ना त्याग देते। Breathing is difficult। ऊपर सांस लेना बहुत मुश्किल है। You curse yourself for having let yourself in for this। और तुम अपने आप को कोसोगे कि क्यों तुमने माउंटेन क्लाइंबिंग स्टार्ट किया। यू वंडर व्हाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट। तुम ये सोचोगे कि तुमने पहाड़ चढ़ना शुरू ही क्यों किया, तुमने अंडरटुक ही क्यों किया। एसेंट का मतलब होता है क्लाइंबिंग, चढ़ना, ठीक है। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। ऐसा भी समय आएगा जब तुम महसूस करोगे कि अब हम ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, अब हमें नीचे चले जाना चाहिए। इट वुड बी सीयर रिलीफ टू गो डाउन। और काफी तुम्हें आराम भी मिलेगा पहाड़ पर, पहाड़ के नीचे जाने से, मतलब ऊपर ना चढ़ने के बजाय नीचे जाना काफी आसान होता है। बट ऑलमोस्ट एट वंस, लेकिन तभी, व्हेन यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, अगर तुम एक पल के लिए भी ये विचार छोड़ दो कि मुझे वापस जाना है, देयर इज समथिंग इन यू, कुछ तो तुम्हारे अंदर ऐसा है दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, जो तुम्हें छोड़ने नहीं देगा। अप द
स्ट्रगल, तुम्हें ये जो संघर्ष है, जो तुम पहाड़ चढ़ने में संघर्ष कर रहे हो, इस संघर्ष को तुम्हें छोड़ने नहीं देगा। जो तुम्हारे अंदर ऐसी कुछ तो फीलिंग होती है कि नहीं, मुझे पहाड़ चढ़ना ही है, एंड यू गो ऑन, और तुम पहाड़ चढ़ते जाओगे। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, जो तुम्हारा साथी है वो तुम्हारे साथ साथ चढ़ता है। जस्ट अनदर 50 feet, तुम 50 feet ऊपर और चढ़ते हो, या हो सकता है कि तुम 100 feet ऊपर चढ़ते हो। यू आस्क योरसेल्फ, और फिर तुम अपने आप से पूछोगे, इज देयर नो एंड, क्या ये पहाड़ कभी खत्म नहीं होने वाला क्या। यू लुक एट योर कंपेनियन, तुम अपने दोस्त की तरफ, तुम अपने पार्टनर की तरफ, तुम अपने साथी की तरफ देखोगे, एंड ही लुक्स एट यू, और वो तुम्हारी तरफ देखेगा। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, तुम्हें एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिलेगी, एक उत्साह मिलेगा, एंड देन, और उसके बाद, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, यू आर एट द समिट, तुम माउंटेन के टॉप पे पहुंच जाओगे, तुम माउंटेन की चोटी पर पहुंच जाओगे। अब इस पैरा में एचपीएस आलूवालिया ने बताया है कि पहाड़ पर चढ़ने के बाद की फीलिंग कैसी होती है। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, जब तुम पहाड़ के ऊपर से चढ़ के जब तुम पीछे देखोगे, यू टेल योरसेल्फ, तुम अपने आप को बताओगे कि दैट इट वॉज वर्थ वाइल, कि पहाड़ चढ़ना जो है ना वो सफल हो गया, मतलब इतनी मेहनत जो हमने की वो जायज थी। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और जो दूसरे सिल्वरी पीक्स का मतलब होता है, जो भी पहाड़ की जो चोटियां होती हैं वो बर्फ से ढकी होती हैं, इसलिए वो चांदी के रंग की लगती हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो दूसरी पहाड़ियां हैं, ठीक है, वो उनको भी तुम देख सकते हो बादलों के बीच में से। बादलों के बीच में से क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचा है और उसकी हाइट पर ना अगल बगल आपको केवल बादल ही दिखेंगे। तो बादलों के बीच में से आप दूसरी भी पहाड़ियों को देख सकते हो। इफ यू आर लकी, अगर तुम भाग्यशाली हो, द सन मे बी ऑन देम, उन पहाड़ियों पर सूरज भी चमक रहा होगा। यह नजारा बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ जेवल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और जो अगल बगल की जो पहाड़ है, जो अगल बगल की चोटियां हैं, जो माउंट एवरेस्ट के बगल बगल में है, ठीक है, वो कैसे लगती हैं? वो जैसे लगती हैं कि ये माउंट एवरेस्ट के गले का हार है, क्योंकि तीनों चारों तरफ से जो ये पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं, उसने माउंट एवरेस्ट को घेर के रखा है, और ऐसा लगता है जैसे कि ये एवरेस्ट के क्या है, गले का हार है। बिलो यू सी वॉस्ट वैली स्लोपिंग इन टू द डिस्टेंस, जब तुम माउंट एवरेस्ट के नीचे देखोगे तब तुम्हें दिखेगा कि दूर तक फैली ढलान वाली घाटियां हैं जो कि नीचे जा रही हैं, बहुत दूर तक फैली हुई हैं, ठीक है। इट इज एन इनोबलिंग इनरीचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, और एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के ऊपर से नीचे देखना एक बहुत ही ज्यादा प्राउड फीलिंग होती है, एक बहुत ही ज्यादा ऐसा लगेगा कि आपने कुछ कर लिया है, इन रीचिंग वाला अनुभव है ये, टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, किसी भी पहाड़ के ऊपर से, चोटी से तुम जब नीचे देखोगे तो तुम्हें जैसा लगेगा कि तुमने कुछ पा लिया है। इनोबलिंग का मतलब फीलिंग प्राउड, ऐसा एक्सपीरियंस है जैसे आपको लगेगा कि आपने कुछ सचमुच किया है। इन रीचिंग एक्सपीरियंस है, इन रीचिंग का मतलब समृद्धि भरा, मतलब ऐसा लगेगा कि आपने कुछ पा लिया है, आपने कुछ उपलब्धि हासिल कर ली है। यू बो डाउन एंड मेक योर ऑबिजेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, तुम झुक जाओगे और तुम उस भगवान को शुक्रिया करोगे जिस भी ईश्वर को, जिस भी गॉड को तुम मानते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, अब यहां पर एचपीएस आलूवालिया कहते हैं कि मैंने माउंट एवरेस्ट पर गुरु नानक जी की मूर्ति रख दी, पिक्चर, एक फोटो, एक तस्वीर रख दी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत जो मेरा साथी था, उसने दुर्गा देवी की जो पिक्चर था, जो दुर्गा देवी की जो फोटो फ्रेम था, उसको वहां पर रख दिया। पीहू डॉर्जी ने क्या छोड़ा है, पीहू डॉर्जी नाम का एक इनका साथी था, उसने क्या छोड़ा है, रेलिक ऑफ द बुद्धा, भगवान बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा की एक निशानी एवरेस्ट के ऊपर छोड़ी है। एडमंड हिलरी जो एक और साथी था इनके साथ में, हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ केयर्न, और एडमंड हिलरी ने जो क्रिश्चियनिटी का जो सिंबल होता है, क्रॉस साइन, जो प्लस का साइन होता है ना क्रिश्चियन लोगों का जो सिंबल होता है, उस सिंबल को एडमंड हिलरी ने पहाड़ के ऊपर दफन करके, मतलब एक पहाड़, एक रॉक्स और स्टोन्स, मतलब छोटे छोटे और बड़े बड़े पत्थरों से, पत्थरों का ढेर था,
उसी में एडमंड हिलरी ने उस क्रॉस को क्या कर दिया, रख दिया, जमा दिया इन द स्नो, कहां पर, बर्फ में। दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कंक्वेस्ट बट ऑफ रिवरेंस, पहाड़ चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना और ये निशानियां पहाड़ के ऊपर छोड़ना, ये निशानियां किसी जीत की निशानी नहीं थी कि हमने कुछ चढ़ लिया है, हमने कुछ जीत लिया है इसलिए हमने ये सब चीजें वहां पर छोड़ी, बट ऑफ रिवरेंस, बल्कि ये निशानी किस चीज की है, हमने सम्मान दिया है अपने अपने रिस्पेक्टिव गॉड्स को, ये उस चीज की निशानी है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कंप्लीटली, जो ये अनुभव है पहाड़ चढ़ने का ये तुम्हें बिल्कुल पूरी तरीके से बदल के रख देगा। देयर इज अनदर समिट, लेकिन इसके अलावा एक और चोटी होती है, एक और माउंटेन टॉप होता है, इट इज विद इन योर सेल्फ, और ये माउंटेन टॉप तुम्हारे अंदर होता है, तुम्हारे मन के अंदर होता है, इट इज इन योर माइंड, ये तुम्हारे मन के अंदर होता है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, हर इंसान अपने मन के अंदर उसका जो खुद का पहाड़ होता है वो अपने मन के अंदर लेकर वो चलता है। अब यहां पर कौन से पहाड़ के बारे में बात हो रही है, वो पहाड़ जो चीजें हमें लगता है कठिन है, जो मन से हमें लगता है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वही यहां पर कहा गया है माउंटेन्स, और वो माउंटेन्स कहां पर है, हमारे मन के अंदर ही है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, एक इंसान हमेशा अपने मन के अंदर का जो पहाड़ है उसको अपने साथ लेकर चलता है, और हर इंसान को इस पहाड़ को एक ना एक दिन चढ़ना ही पड़ेगा ताकि वो अपने बारे में पूरी तरीके से जान सके, अपने बारे में फुलर नॉलेज ले सके। इट इज फियरफुल, अब अपने मन के अंदर का जो पहाड़ है इस पर चढ़ना डरावना है, एंड अनस्केलेबल है, और हमें पता नहीं होता कि ये कितना ऊंचा है, कितना डिफिकल्ट काम हम करने जा रहे हैं ये हमें पता नहीं होता है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनी वन एल्स, जो तुम्हारे मन के अंदर का जो पहाड़ है वो किसी और के द्वारा नहीं चढ़ा जा सकता, yourself have to do it, तुम्हें खुद ही ये काम करना पड़ेगा। The physical act of climbing to the summit, और जो हम शारीरिक चढ़ाई चढ़ते हैं ना पहाड़ों पर, माउंटेन पर जो शारीरिक चढ़ाई चढ़ते हैं हम, आउटसाइड इज अ कीन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, मतलब कहा गया है कि जो हम बाहर पहाड़ चढ़ते हैं और जो हमारे मन के अंदर का पहाड़ है वो क्या है, अकीन है, वो एकदम दोनों समान है, सिमिलर है। द एफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, और दोनों ही पहाड़, चाहे हम पहाड़ एवरेस्ट चढ़ें चाहे हम अपने मन के अंदर का पहाड़ चढ़ें, दोनों ही पहाड़ चढ़ने का जो प्रभाव, जो चेंजेस आता है वो सेम होता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, चाहे तुम पहाड़ जो चढ़ रहे हो चाहे वो शारीरिक चढ़ाई चढ़ रहे हो या तुम अपने मन के अंदर के पहाड़ को चढ़ रहे हो, द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू, किसी भी तरीके की चढ़ाई हो वो तुम्हें पूरी तरीके से बदल के रख देती है। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, पहाड़ चढ़ना तुम्हें दुनिया के बारे में और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सिखा जाता है। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन ऑफ फेस लाइफ्स ऑडियल्स रिजोल्यूटली। अब यहां पर कहा गया है आई वेंचर टू थिंक, मैं ये सोचने का साहस कर सकता हूं कि जो मेरा अनुभव है कि मैंने पहाड़ चढ़ा है, मैंने एवरेस्ट चढ़ा है, ये जो मेरा अनुभव है ना उसने मुझे प्रोवाइड किया है, उसने मुझे दिया है एक उत्साह दिया है, विथ द इंस्पिरेशन मुझे एक उत्साह दिया है कि मैं जिंदगी के ऑडियल्स, जिंदगी के कठिनाइयों का रिजोल्यूटली सामना कर सकूं, बहुत ही आसानी से सामना कर सकूं। ये जो अनुभव है ये मुझे कहां से मिला है, ये मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ने की वजह से मिला है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल, पहाड़ पर चढ़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है, एक वर्थवाइल एक्सपीरियंस है। द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल, और जो हमारे मन के अंदर की जो पहाड़ है, जो हमारे मन के अंदर जो चोटी है उसको भी चढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना माउंट एवरेस्ट को चढ़ना। द इंटरनल समिट्स आर Perhaps higher than Everest, लेकिन यहां पर एक बात और कही गई है कि हमारे मन के अंदर का जो पहाड़ है वो हो सकता है एवरेस्ट से भी ऊंचा हो,
लेकिन हमें किसी भी तरीके से इसको फतेह करना है, इस पर चढ़ना ही है। आई थिंक आपको स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको स्टोरी ने बहुत कुछ सिखाया भी होगा। इसके राइटर एज यूजुअल एचपीएस आलू वाले हैं। इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, जो कुछ भी है, हम अपने नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।